उम्मीद है कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं शहजाद जॉर्ज आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम मसूर की दाल बनाएंगे और हर आदमी की ये पसंदीदा दाल है, तो बहुत आसान तरीके से हम जो है वो बनाएंगे। हम एक पाव के करीब दाल लेंगे और इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे, और धोने के बाद जो है ना वो हम इसे चूल्हे के ऊपर किसी पैन में डाल देंगे और उबलने के लिए रख देंगे। तो जब हम उबलने के लिए रखेंगे तो सबसे पहले इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी के साथ नमक और लाल मिर्च डाल देंगे, और साथ ही जो है वो कटा हुआ प्याज, कूटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो साथ ऐड कर देंगे, और उबलने के लिए जो है वो चूल्हे पर रख देंगे। और साथ ही हमारे पास जो है वो कटे हुए टमाटर के स्लाइस हैं, वो भी जो है वो अपनी दाल में मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें जो है ना वो ऐड करके हम इसे उबलने के लिए रख देंगे, और जब हमारी दाल जो है वो अच्छे से उबल जाएगी तो हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हमारे पास थोम के जो है वो स्लाइस हैं, हम उसको ऑयल में डालेंगे और अच्छे से लाइट ब्राउन कलर जो है ना वो कर लेंगे। और जैसे हमारा थोम लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम उसमें कुछ टमाटर डालेंगे, साथ ही हम जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए इस ज़ीरे को जो है वो गरम ऑयल में जो है वो हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ज़ीरा फ्राई हो जाएगा और ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम अपने पैन को है वो दाल में उंडेल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो तड़का हमने तैयार किया था इसकी खुशबू जो है वो पूरी की पूरी दाल में मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना वो आप यकीन करें कि आप इसको टेस्ट करें कि और इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही तड़के के बाद चेंज हो गया होगा। और अब इसकी जो सर्विंग है वो हम या तो रोटी के साथ इसकी दाल की सर्विंग कर सकते हैं, और या फिर जो है वो हम चावलों के साथ सर्विंग कर सकते हैं। अगर तो हम रोटी लेते हैं तो रोटी के साथ अगर हम देसी घी वाली रोटी इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी है, और अगर हमारे पास चावल है तो अच्छे वाले चावल इस्तेमाल करें। और चावल एज अ ट्रेडिशनल देखा जाए तो मोस्टली लोग जो है वो गर्मियों में दाल चावल खाना बहुत ही पसंद करते हैं। साथ जो है वो आप अचार रख लें और थोड़ा सा प्याज रख लें, और अगर दही का रायता आपको मिल जाता है तो वो भी जो है वो बहुत अच्छा इस दाल के साथ लगता है। और एक दफ़ा घर में ज़रूर ये दाल ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर